हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम व्रत में बिना साबूदाना भिगोए और बिना सामा चावल भिगोए इंस्टेंट नाश्ता बनाएंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है। हम इसमें 1/4 कप साबूदाना डालेंगे और इसमें 1/2 कप सामा चावल डालेंगे। यहाँ मैंने सेम कप का यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ मैंने 2/4 कप सामा चावल लिया है। और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में साबूदाना और सांबा चावल को मिक्स करके डालेंगे। और अब हम इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे नाश्ता या रेसिपी बहुत ही सॉफ्ट बने। आप व्रत में उसे खा सकते हैं, तो आप टेंशन ना लें। हम इसमें 1/4 कप पोहा डालेंगे। इस रेसिपी में हम इनो सोडा किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ मैंने 1/4 कप पोहा लिया है। और अब हम जार का ढक्कन लगा करके इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें घर का बना 1/4 कप दही डालेंगे। यहाँ मैंने दही में थोड़ा सा छाछ भी डाला है। आप चाहे तो सिर्फ छाछ या सिर्फ दही से भी बना सकते हैं। दही डाल करके हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, बैटर हमारा बहुत जल्दी दही को सोख लिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जिससे एक भी लम्स ना रहे। बैटर हमारा काफ़ी थिक हो गया है। और अब हम इसमें 1 कटोरी या 1 कप पानी डालेंगे। पानी डाल करके हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे जिससे बैटर हमारा थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। और अब हम बैटर को अच्छे से चलाते हुए 1 मिनट के लिए मिला लेंगे जिसके अंदर एयर बनेगा और बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट और फ्लफ़ी बनेगा, क्योंकि हमने इसमें पोहा का यूज़ किया है जिसकी वजह से नाश्ता या रेसिपी हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। और ये देखिए दोस्तों, बैटर हमारा अभी लूज़ है। हम इसमें 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार व्रत का सेंधा नमक डालेंगे। नमक डाल करके बैटर को हम फिर से एक बार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है। और अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। बैटर हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई में 1/4 कप मूंगफली डालेंगे। यहाँ मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, आप इसकी जगह नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। मूंगफली डाल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे जिससे मूंगफली हमारे बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। मूंगफली भूनते समय हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालकर हम हरी मिर्च के साथ मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे या भून लेंगे। इस तरीके से अगर आप चटनी बनाएंगे तो चटनी को आप बिना तड़के के भी खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मूंगफली को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और ये देखिए, मूंगफली का कलर भी चेंज हो गया है और मूंगफली के ऊपर बहुत सारे क्रैक आ गए हैं। इसका मतलब है कि मूंगफली हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, बैटर भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है और बैटर हमारा गाढ़ा भी हो गया है। हम इसे एक बार फिर से चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम बैटर में थोड़ा सा पानी डाल करके बैटर को हम एक बार फिर से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे जिससे बैटर हमारा थोड़ा सा लिक्विडी या लूज़ हो जाए। यहाँ मैंने बैटर में टोटल 1/2 कप पानी और ऐड किया है। और अब हम इसे फिर से चलाते हुए मिला लेंगे। और ये देखिए, बैटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। हमें रेसिपी बनाने के लिए ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए। बैटर को बनाने के लिए यहाँ मैंने खट्टे दही का यूज़ किया है। और चलिए अब हम इसका रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। यहाँ मैंने नॉनस्टिक लेयर का कढ़ाई यूज़ किया है, आप इसकी जगह तवा का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1/4 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर हम इसे अच्छे से फैला लेंगे और कढ़ाई को घी के साथ अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच बैटर डालेंगे। यहाँ मैंने बैटर डाल करके इसे अच्छे से फैला लिया है और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर
ग्रेट किया हुआ गाजर और मिर्च डालेंगे। यहाँ मैंने गाजर और मिर्च को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और मिर्च को कट कर लिया है। बैटर के ऊपर अच्छे से फैलाते हुए हम इसे डाल लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा एक चुटकी जीरा डालेंगे। जीरा अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जीरा डाल करके हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे मिनिमम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। हम इसे हल्के हाथों से चारों तरफ से निकाल लेंगे और अब हम इसे पलट देंगे। पलट कर हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक करके 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है और अब हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए हमारा व्रत का उत्तपम बनके तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम सेम तरीके से एक और उत्तपम बनाएंगे। बिना घी या तेल के पैन में 2 चम्मच बैटर डालेंगे। बैटर डालकर हम इसे हल्के हाथों से फैला लेंगे और अब हम इस पे कटा हुआ गाजर और हरी मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह आलू भी डाल सकते हैं या और कोई वेजिटेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा उत्तपम भी एक तरफ से पक के तैयार हो गया है। और अब हम इसे हल्के हाथों से पलटते हुए दूसरे तरफ से भी पलट के पकने देंगे। उत्तपम हमारा गर्म है तो आप इसे केयरफुली पलटें। दूसरे साइड से पकते हुए उत्तपम को 1 मिनट हो गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा उत्तपम बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। और सेम तरीके से आप बाकी बचे हुए का भी उत्तपम बना लें। और अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 कटोरी पानी डालेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे पानी को हम गर्म होने देंगे। यहाँ मैं एक ही बैटर से 2 रेसिपी बना रही हूँ। आपको जो इजी लगे आप वो बनाएं। और अब हम इसे कवर कर देंगे और 1 कटोरी लेंगे और इसमें तेल लगा लेंगे और तेल को इस तरह फैला लेंगे कटोरी में। सेम तरीके से हम दूसरे कटोरी में भी तेल को लगा लेंगे। और अब हम 1 प्लेट लेंगे और प्लेट को इस तरह पानी में डालेंगे। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम 1 दूसरा प्लेट डाल करके इसे अच्छे से सेट करेंगे और तेल लगाया हुआ कटोरी डालेंगे। कटोरी डाल करके हम इसमें बचा हुआ बैटर डालेंगे। हम चम्मच से 3 कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। हम इसे पूरा फिल नहीं करेंगे। और ये देखिए 3 कटोरी में यहाँ मैंने बैटर डाल दिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गाजर डालेंगे। आपको अगर गाजर पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। चटनी बनाने के लिए मूंगफली हमारा ठंडा हो गया है और अब हम 1 ग्राइंडिंग जार में मूंगफली डालेंगे और इसमें कटा हुआ छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाला है। चटनी को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर जार का ढक्कन लगाएंगे और चटनी को हम बारीक या महीन पीस लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने चटनी को पीस लिया है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं या आप इसे ऐसे ही खाएं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ मैंने चटनी बनाने के लिए मूंगफली का यूज़ किया है। आप इसकी जगह सेम तरीके से नारियल की भी चटनी बना सकते हैं। और ये देखिए व्रत का इडली बनके हमारा तैयार हो गया है। हम इसे 1 क्लीन चाकू से चेक करेंगे और अब हम इसमें चाकू डालेंगे। और ये देखिए चाकू हमारा क्लीन निकला है और इसमें थोड़ा सा बैटर लगा है। इसका मतलब है कि इडली हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है क्योंकि हमने इसमें पोहा का यूज़ किया था, तो पोहा जैसे ठंडा होगा इडली तो ये इडली बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इडली को निकाल करके नीचे रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए इडली हमारी ठंडी हो गई है और अब हम इसे हल्के हाथों से चम्मच से साइड इसके निकाल लेंगे। और ये देखिए इडली ठंडा होने के बाद इजीली और परफेक्ट तरीके से हमारा निकल गया है। और मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। इडली हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बना है।
तो आप इस तरीके से इडली बनाएं और व्रत में खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दिन भर एनर्जेटिक फील होगा। और इडली को हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। सेम तरीके से हम बाकी इडली को भी निकाल लेंगे। बिना सोडा और इनो का यूज़ किए हुए इस तरीके से व्रत में आप इडली बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं और ख़ुद भी खाएं। और ये देखिए, इडली हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बन के निकल आया है और अब हम इसे भी प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा व्रत का उत्तपम और इडली का थाली बन के तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये बनाने में जितना ज़्यादा ईजी है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप और बिना ही फ्रूट सॉल्ट का यूज़ किए हुए ईजिली इस रेसिपी को घर पे बना सकते हैं और इसे व्रत में खा भी सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी एक और नई रेसिपी में।